नर्मदे हर नर्मदा प्रखर के इस चुनावी श्रृंखला में आज हम खंडवा शहर में महासभा के उपाध्यक्ष श्री योगेश कोटवाले जी के यहाँ पर बैठे हैं। ये महासभा के साथ साथ ओंकारेश्वर धर्मशाला के भी उपाध्यक्ष और खंडवा में नर्मदी ब्राह्मण समाज की धर्मशाला के भी उपाध्यक्ष हैं। आरएसएस के संघ के कार्यकर्ता हैं और उसके साथ में समाज सेवा में काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। अक्षय नर्मदा से लेकर आज तक लगातार समाज सेवा कर रहे हैं। तो महासभा का चुनाव होने वाला है और इस संदर्भ में आपके स्वयं के क्या विचार है, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार, नर्मदे हर सभी को। और सबसे पहले तो मैं नर्मदा प्रखर के शैलेंद्र पारे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो उन्होंने ये इस टाइप का वीडियोग्राफी करके और समाज के लोगों को चिन्हित करके और समाज में एक बहुत अच्छा प्रकल्प चालू किया है, उसके लिए मैं समाज की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वर्तमान में जो महासभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसका भी डिक्लेरेशन तो नहीं हुआ है, लेकिन सरगर्मी चालू हो चुकी है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं समाज से जुड़ूं। और बहुत अच्छा पिछले सालों में जो समाज जागृत हुआ है उसके कारण जो है महासभा के चुनाव बहुत ही क्या कहते हैं कि बहुत ही अच्छे हो गए हैं। और लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि इस चुनाव को हम संपन्न कराएं, इस चुनाव में रहें और देखें और हमारे चॉइस का व्यक्ति जो है इसमें महासभा का अध्यक्ष होने। सर, आप अपने भूमिका को किस रूप में देखते हैं महासभा के इस चुनाव में? महासभा के चुनाव में हमारे परिवार से मेरे पिता और दादा ने जो हमको प्रेरणाएं दी वो प्रेरणाओं में ये रहा कि समाज में सेवा ही धर्म, उसी नोट को लेकर हम चलते हैं। और सेवा ही हमने धर्म को मानकर जो भी किसी भी पद की कोई लालसा नहीं करी, लेकिन समाज और अन्य संस्थाओं से जुड़कर सेवा करने का ही धर्म अपनाया हमने। तो सर, जब आप समाज से जुड़े थे और महासभा से जुड़े थे उस समय आपके मन में क्या क्या योजनाएं थी और वो किस रूप तक फलीभूत हो पाई है? जिस समय हम लोग समाज सेवा से जुड़े उस समय हम लोग क्या पिताजी को समाज में बैठक में छोड़ने जाना लेने जाना ऐसा तो एक जुनून सवार हुआ। उसमें जो पुराने लोगों से जो प्रेरणाएं मिली कि समाज की सेवा कैसे की जाती है, जुनून पैदा हुआ और उसी जुनून के कारण हमने जो है समाज सेवा प्रारंभ की। पिताजी के प्रेरणा से ही हम लोग समाज के उसमें जुड़े और आज स्थिति ये है कि हम लोग समाज में अच्छी स्थिति में आए। लेकिन उस समय मन में एक भावना रहती थी कि ठीक है, अपना समाज में खंडवा में अपन लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन संपूर्ण समाज अगर एक जगह इकट्ठा हो और महासभा बने। और महासभा उस समय से चली आ रही थी, 1920 में महासभा का प्रथम अधिवेशन खंडवा में हुआ, उसके बाद भी अधिवेशन खंडवा में हुए, लेकिन ऐसा लगने लगा था कि अब अपना समाज जो है बहुत ही विस्तृत रूप से जागृत हो रहा है। सर, आपने प्रथम अधिवेशन की जो बात की है, 1920 में महासभा का प्रथम अधिवेशन खंडवा में हुआ था और अब 2020 चल रहा है, मतलब 100 साल पूरे हो गए हैं। इस 100 साल में महासभा को कहां से कहां तक आई है, कहां पहुंचना था, क्या वहां तक हम पहुंच चुके हैं या हमारे अभी कुछ कमियां हैं और उसके लिए आगे और प्रयास किए जा सकते हैं? देखिए, महासभा कोई एक व्यक्ति तो है नहीं, महासभा वो होती है कि एक दरी बिछा के अगर चार लोग बैठ जाएं तो वही समाज की महासभा हो जाती है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति बोले कि महासभा ने क्या किया और महासभा क्या चाहती है और महासभा क्या करना है, तो प्रश्न ये उठता है कि हम महासभा में कार्यकारिणियों में कई प्रकार के निर्णय हुए। मेरे पास एक बुक पुस्तक भी है जिसमें 1920 से करीब करीब 10 महासभा के जो अधिवेशन हुए उनका पूरा रिकॉर्ड है, किस व्यक्ति ने क्या बोला, किसने क्या प्रस्ताव रखा, बैठकें 4-4 बजे रात तक चलती थी। उन सब चीजों में एक स्थिति ये बनी कि महासभा में बहुत सारी चीजों के प्रस्ताव पारित हुए, लेकिन उनको अपना ग्रहण करने का काम समाज के लोगों का है,
महासभा का नहीं है, महासभा में प्रस्ताव पारित हो गया 10 लोगों ने अगर उसको किया, और अगर समाज के व्यक्ति अगर उसको ग्रहण नहीं करेंगे और उसका पालन नहीं करेंगे तो महासभा क्या करेगी। अच्छा सर, ये जो आगामी महासभा अध्यक्ष जो भी बनेंगे, चुनाव होंगे, बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, उसमें जो अध्यक्ष है उनसे क्या क्या उम्मीदें रखी जा सकती है और क्या आगे है जो आपको ऐसा लगता है कि आगामी महासभा अध्यक्ष ने करना चाहिए? मेरा यह है कि महासभा का अध्यक्ष जो भी हो, और उस प्रश्न में यह है कि वर्तमान महासभा अध्यक्ष कैसा होना चाहिए। तो वर्तमान महासभा अध्यक्ष हम ये चाहते हैं और समाज का हर व्यक्ति चाहता है कि पैराशूट से उतर के आया हुआ व्यक्ति जो है वो महासभा का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। फर्श से अर्श की ओर जो व्यक्ति गया हो, ऐसा व्यक्ति अगर महासभा का अध्यक्ष बनता है तो उसको नीचे स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, गांव स्तर पर अगर जो व्यक्ति नामदेव ब्राह्मण समाज का रह रहा है उससे उसका संपर्क जुड़ा हुआ है और वो व्यक्ति को क्या आवश्यकताएं हैं समाज की और समाज क्या चाह सकता है और समाज उसकी क्या मदद कर सकता है, ऐसा व्यक्ति अगर बनेगा अध्यक्ष महासभा का तो वो महासभा बहुत ही अच्छी होगी। और ऐसा व्यक्ति भी अगर राजनीतिक रसूख रखता है तो उससे भी समाज को बहुत फायदा मिलेगा। सर, ये आपने बहुत अच्छा विचार दिया है राजनीति का। समाज में कई बार ऐसा कहा जाता है कि समाज का महासभा का अध्यक्ष राजनीतिक पृष्ठभूमि से ना आए क्योंकि वो समय नहीं दे पाते। कई लोगों का कहना है कि यदि राजनीतिक पृष्ठभूमि से आएगा तो समाज को राजनीतिक रूप से भी फायदा होगा, तो क्या अपने समाज में ऐसी स्थिति है कि यदि कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए तो समाज के लोग उसका सहयोग करेंगे और ऐसे लोगों को यदि विधानसभा तक यदि कोई पहुंचता है तो समाज को उसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हमने खंडवा में राजनीतिक जो अपने समाज के व्यक्ति हैं उसमें हमारे यहाँ राजेश जी डोंगरे, सुनील जी शकरगाए, मेरा स्वयं का छोटा भाई हरीश कोटवाले, ऐसे व्यक्तियों को साथ में लेकर हमने समाज को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक दबाव डाले। अगर कांग्रेस की सरकार रही या बीजेपी की सरकार रही, कोई सी भी सरकार रही, हमने अच्छे से अच्छे व्यक्ति को खड़ा करके हमने वहां पर राजनीतिक फायदे उठाए हैं। जैसे समाज की भवनों के लिए हमने पैसा लिया, हमने गुरु आश्रम निर्माण के लिए पैसा लिया, आज कल्याणगिर आश्रम में हमारे ब्रह्मगिर गुरुगादी के अनुयायी श्री ओंकारानंद जी महाराज स्थापित हैं। पिछले 5 सालों में हमने वहाँ 14 एकड़ जमीन पर जो सरकारी उसमें थी, कई लोगों का कब्जा हो गया था, उसका कब्जा हटा के राजनीतिक वसूद से चाहो कहो या हम लोगों के उससे कहो समाज के, और उस पे वो किया और गुरुगादी का उद्धार किया और आज वहां पर आश्रम बना हुआ है, गुरुजी वहां निवास कर रहे हैं। तो ये सब राजनीतिक वसूद अगर नहीं होता तो क्या हम कर पाते? अर्थात आपका कहना है कि राजनीतिक तो होगा तो बेनिफिट ही होना है समाज को। आज 15 लाख रुपए का निर्माण कार्य वहां हुआ है, 10 लाख रुपए सांसद मत से खंडवा में मिले हैं हमको धर्मशाला के लिए। फिर पूर्व के सांसद जो थे अरुण जी यादव, उन्होंने कुछ हमें आर्थिक रूप से मदद की है, उनके सांसद निधि से, विधायक निधि से हमको मदद मिली है। और अभी और हम राज्यसभा के किसी भी सांसद को पकड़ के समाज में वो करेंगे, ऐसा ही हमने ओंकारेश्वर में किया है। तो मतलब राजनीतिक वजूद अगर आपके समाज का होगा तो आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, लेकिन ये फायदा खंडवा जिले के लिए व्यक्तिगत हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे स्तर पर राजनीतिक वजूद में, जैसे पूर्व में सांसद रहे कालीचरण जी शकरगांव, वर्तमान में पीसी शर्मा जी समाज के कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन अब क्या करें, किस्मत जो है वो ठीक है, लेकिन फिर भी अपन चाहते हैं कि अपने समाज का व्यक्ति ऊपर जाए और अपने समाज को एकत्रित करे, संगठित करे। और एक राजनीति में आजकल जो है सामाजिक स्तर पर दबाव बनाना बहुत जरूरी हो गया है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आपके समाज को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। बार बार उठता है महासभा जब से बनी तब से लेकर अभी तक क्षेत्रवाद का, मालवा, निमाड़ और बुहाना, ये क्षेत्रवाद का हमेशा प्रश्न उठता रहा है। और कई जैसे अभी ये भी एक प्रश्न उठ रहा है कि जब हम चुनाव होते हैं महासभा के, और महासभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है और इकाइयों के जो वोट डलते हैं
तो हरदा साइड में या बुआने साइड में कम इकाइयां हैं या निमाड़ साइड में ज्यादा इकाइयां हैं, इस कारण से जो है वो अध्यक्ष के पद के लिए प्रॉपर ढंग से इसका मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाता है या उनको प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को। तो इस बारे में कभी क्या महासभा ने नहीं सोचा है कि ना सभी क्षेत्रों को बराबर का प्रतिनिधित्व मिले? ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा है कि ये तो उस क्षेत्र के लोगों में जागरूकता की कमी होने के कारण इकाइयों का निर्माण नहीं हो पाया। जिस क्षेत्र में इकाइयों का निर्माण हो पाया वहाँ पर इकाइयाँ निर्माण हो गई और उन्होंने अपना पंजीयन करा लिया। अब अगर आप कहें कि बौना क्षेत्र में इकाइयों का निर्माण नहीं हुआ तो वहाँ जो पुरानी इकाइयाँ चल रही थी उन्हीं को लोगों ने आत्मसात कर लिया और नई इकाइयों का निर्माण नहीं कर पाया, इसलिए वहां की इकाइयां कम हैं और इस क्षेत्र की ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि क्षेत्रवादिता जो की जो बात करते हैं लोग, अब अगर क्षेत्रवादिता की बात की जाए तो मैं आपको 80 से 90 वर्ष पुरानी बातें भी सुना सकता हूं जो मुझे अपने परिवार के बुजुर्गों ने सुनाई है। हम लोग 1890 में हरदा से विस्थापित होके होशंगाबाद गए और होशंगाबाद से खंडवा आए। 1890, 1920 और ये आज 2020 है, लगभग 120 साल हो गए हमको यहाँ। लेकिन हम भवाना के कहलाते जरूर है लेकिन हमारा मूल निवास, हमारे ग्रैंड फादर की उम्र उस समय दो दो या तीन 1.5 वर्ष की थी जब हम लोग खंडवा आए थे। मेरे पिता का जन्म यहाँ हुआ, मेरे परिवार सब पूरा शादी ब्याह भाइयों की सब यहाँ हुई है। तो अब अगर हमको कोई कहे कि ये क्षेत्रवादिता, तो हम यहाँ खंडवा में कोई किसी प्रकार की कोई क्षेत्रवादिता नहीं है। सर, ये और खंडवा की बात नहीं हो रही, यहाँ पर महासभा में जो अध्यक्ष या इस टाइप की जो जी होते जी या हाँ प्रतिनिधित्व की बात कर रहा हाँ हूँ हाँ मैं। हाँ उसका एक आपको मैं सटीक बात बताऊं, मेरे पास एक अखिल भारतीय नामदी ब्राह्मण महासभा वाली एक पुस्तक है जिसमें कि वर्ष 1920 से लेके पूरा रिकॉर्ड है और वो रिकॉर्ड आ रहा है लगभग 1994 तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं उन सम्मेलनों का पूरा अक्षरशः ब्यौरा है। उसमें एक बात उल्लेखित होके आ रही है कि 27/12/1921, 28/12/1921 को निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुए हैं द्वितीय और तृतीय दिवस में, और प्रस्तावकर्ता जो है वो जानकी वल्लभ जी खरगोन के हैं, इसमें स्पष्ट उल्लेख है। और इसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि संगठन या सम्मेलन अपनी जाति में समस्त कार्य नियमबद्ध चलाने के लिए कार्यकारिणी सभा संगठित करे जिसके सदस्य प्रत्येक प्रांत से निम्नलिखित संख्या में चुने जावें। निमाड़ अंग्रेजी 10 सदस्य, निमाड़ देशी 10 सदस्य, हरदा प्रांत 10 सदस्य, मालवा प्रांत 6 सदस्य। अब इसमें चूंकि इस क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित करना था, ये बुजुर्ग लोगों ने उसको अपनाया और उसका नतीजा ये था कि 1920 में हम खंडवा धर्मशाला का नाम भी प्रांत निमाड़ प्रांतीय नाम जो लिखा गया, निमाड़ प्रांतीय, मालवा प्रांतीय, ऐसे ऐसे प्रांत घोषित किए गए कि इस प्रांत के 10 सदस्य ये रहेंगे, 10 सदस्य ये रहेंगे। इस प्रकार से ये प्रस्ताव पारित हुआ जिसको अनुमोदन करता जिसके स्वर्गीय सेठ लक्ष्मी नारायण जी बलवटे टिमरनी, ये देख लीजिए। मतलब 1921 में क्षेत्रवाद से निपटने की तैयारी हो चुकी तैयारी हो थी। चुकी थी कि भाई किसी प्रकार से कोई क्षेत्रवाद नहीं होगा। उसके अलावा भी मैं जहां तक समझता हूं बरगले परिवार होशंगाबाद, उनके परिवार की एक बेटी जो है गणपति लाल सोहनी सनावद एडवोकेट थे, उस परिवार में ब्याही गई। और भी ऐसे उसके पूर्व भी कई ऐसे उदाहरण हैं। मेरे खुद के बड़े ससुर लक्ष्मी नारायण भट्ट, जिनकी शादी जो है सरमंडल परिवार खंडवा में हुई, मेरे ससुर जिनकी शादी जो है भामगढ़ में हुई, मेरे परिवार में 3 बहुएं खंडवा की हैं, एक मंडलेश्वर महेश्वर की महोदय परिवार की, एक पाराशर परिवार बांदरला, एक नेगी परिवार खंडवा। तो क्या क्षेत्रवादिता कहाँ रही है?
मतलब एक तरीके से तो ये माना जाए कि क्षेत्रवाद से तो ऊपर उठ ही चुके हैं। बिल्कुल उठ चुके हैं, सवाल ही नहीं उठता।